आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भ्रष्टाचार के नए आरोपों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अटैक करने का दावा कर रहे हैं। कपिल ने कहा कि वो आज सुबह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि खुलासा अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के नेटवर्क को साबित कर देगा। कपिल मिश्रा ने इसके पीछे उस वीडियो का जिक्र किया जो अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कटघरे में आने को कहा। जिरह के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी की अरुण जेटली पर की गई टिप्पणी को कोर्ट ने अपमानजनक करार दिया और कहा कि अगर ऐसी टिप्पणियां केजरीवाल के निर्देश पर दी गई हैं तो उन्हें पहले कटघरे में आना चाहिए और जेटली से जिरह से पहले अपने आरोप लगाने चाहिए। जेटली के वकील राजीव नायर ने अदालत के सामने मुद्दे को उठाया और कहा था कि केजरीवाल की तरफ से इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि टिप्पणियां उनके निर्देश पर की गई या जेठमलानी ने अपनी ओर से टिप्पणियां की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या निपटाने के लिए एक स्थायी टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव दिया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण खत्म करने के लिए कोर्ट समय समय पर निर्देश दे, इससे अच्छा है कि काम टास्क फोर्स करे और कार्रवाई पर निगरानी भी रखे। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी, उसी दिन टास्क फोर्स के गठन के लिए नाम सुझाए जाएंगे। दिल्ली में निजामुद्दीन के अमीर खुसरो पार्क में बसी अवैध झुग्गी बस्ती को डीडीए ने हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ दिया है। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। यहां पर बसे शेल्टर हाउस में रहने वाले 60 बच्चे भी सड़क पर आ गए हैं। अतिक्रमण हटाने की इस मुहिम में लोगों का आरोप है कि पुलिस ने झुग्गियों को तोड़ने के बाद आग लगा दी जिससे उनके कुछ बच्चे भी झुलस गए हैं। कोर्ट की ऑर्डर सर, ऐसा बोला कि कोर्ट से ऑर्डर आया और कुछ बताया नहीं हमें, ना कोई नोटिस दिया हमें, ना टाइम दिया कोई कि घर से सामान निकालो, एकदम ही फोर्स आई और तोड़ना चालू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप की मदद से 5 साल के मासूम शुभान को उसके परिवार वालों तक पहुंचा दिया। दरअसल शुभान 16 मई को अपनी मां से बिछड़कर विश्वासनगर इलाके में पहुंच गया था। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप में शुभान की फोटो को शेयर करने के महज 20 मिनट के बाद ही वो सकुशल अपने परिवार से मिल गया। शुभान के पिता अपने बेटे के मिलने के बाद पुलिस और सोशल मीडिया की तारीफ कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने का फैसला आते ही मुंबई में कुलभूषण के दोस्तों और पड़ोसियों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। अब उनकी मांग है कि कुलभूषण को जिंदा और सही सलामत भारत लाया जाए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि कुलभूषण जाधव मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने सराहनीय काम किया है। राउत ने कहा कि सरकार को सभी को विश्वास में लेकर ये बताना चाहिए कि कुलभूषण को वापस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। बीएमसी ने मुंबई के मरीन ड्राइव से कांदिवली तक बनने वाले कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट एनिमेशन जारी किया है। बीएमसी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मरीन ड्राइव में प्रिंसेस स्ट्रीट से कांदिवली तक 29.20 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड बनेगी। इस साल अक्टूबर से कोस्टल रोड का काम शुरू होगा। प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के अलीबाग में विजय माल्या के 100 करोड़ रुपए की कीमत के फार्म हाउस को जब्त कर लिया है। तकरीबन 17 एकड़ में फैली ये प्रॉपर्टी मैसर्स मांडवा फार्म्स लिमिटेड के नाम पर है जिसके मालिक माल्या ही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है।